हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेफ संदीप मेहरोले चैनल। आज मैंने बहुत ही स्पेशल डिश बनाई है और ये स्पेशल बनाने की मेन रीजन है कि आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, इसलिए मैंने आज जो डिश बनाई है वो है मुगलाई चिकन कोरमा। आप देख सकते हैं चिकन कोरमा, मैं इसे सर्व कर रहा हूँ बटर नान और कोरिएंडर राइस के साथ में। बहुत ही लजीज लग रही है, बहुत ही बढ़िया डिश लग रही है, आप देख सकते हैं। और इसे अब किस तरह से बनाया जाता है इसकी रेसिपी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चिकन कोरमा बनाने के लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो आपके सामने हैं। मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन लिया है विद बोन, इसके अलावा मैंने 12 से 15 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं, 4 मीडियम साइज के अनियन को मैंने फाइनली स्लाइस करके उसे फ्राई कर लिया है, करीबन 6 से 8 कैशू नट को भी मैंने फ्राई कर लिया है, उसके अलावा मैंने 20 से 25 ग्राम जिंजर को रफली चॉप कर लिया है, 2 ग्रीन चिली को फाइनली चॉप कर लिया है। इसके अलावा आपको चाहिए चॉप कोरिएंडर, नमक, सॉल्ट, 2 मीडियम साइज के टोमेटो चॉप किए हुए, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और कोरिएंडर धनिया पाउडर। और हमारे ड्राई मसाले में आपको लगेंगे करीबन 2 ग्राम सिनेमन स्टिक, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 2 तेज पत्ता, करीबन 2 टीस्पून जीरा, ऑयल और घी। हम ऑयल और घी दोनों इस रेसिपी में यूज़ करने वाले हैं। और इसके अलावा आपको लगेंगी 1/2 कप हंकी हुई दही। फ्रेंड, सबसे पहले हमें चिकन कोरमा के लिए उसका मसाला रेडी करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले मैं हमारे 4 फ्राई किए हुए अनियन को, गार्लिक, ग्रीन चिली, जिंजर और कैश्यू नट को एक फाइन पेस्ट में ग्राइंड कर लूँगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से फाइन पेस्ट में हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमें हमारे चिकन को अच्छे से पैन में सियर करना है या भूनना है ताकि उसके आउटर लेयर को अच्छे से कोट हो जाए और जो चिकन अच्छे से मॉइस्ट रहे। फ्रेंड्स, हमने हमारी कढ़ाई ऑन कर ली है और इसमें मैंने 2 चम्मच घी और 2 चम्मच ऑयल ऐड किया है। अब फ्रेंड्स, हमने तेल में करीबन 4 से 5 ब्लैक पेपर कॉर्न और 2 बेलीफ डाले हैं और उसके अलावा मैं इसमें 1 छोटी इलायची ऐड कर रहा हूँ। तेल गर्म हो चुका है अभी, अब इसमें हम अपने चिकन को सीर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी चिकन अच्छे से पैन में सीर हो रही है। हमें इसे बस बाहर से एक आउटर लेयर की टेक्सचर देना है कि बाहर से अच्छे से कोट हो जाए, इसके बाद हमें इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आपको इसे फास्ट हाई हीट पर सियर करना है, तो आपको ध्यान देना है कि आप मीडियम पे नहीं करें, हाई हीट पे करें ताकि इसको अच्छे से आउटर लेयर बहुत जल्दी आ जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी चिकन अच्छे से सियर हो गई है, भुन गई है। अब इस वक्त हम इसे प्याज बंद करके साइड में ठंडा होने के लिए निकाल देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी चिकन अच्छे से सियर हो गई है, हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। और हम हमारी सेम कढ़ाई में हम अभी इसमें घी डालेंगे करीबन 2 से 3 चम्मच और 2 से 3 चम्मच ऑयल डालने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसमें घी ऐड करने वाला हूँ करीबन 2 से 3 चम्मच, करीबन 2 से 3 चम्मच तेल। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा तेल और घी गर्म हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करने वाला करीबन 1 टीस्पून जीरा, 2 बे लीफ, करीबन 2 बड़े इलायची, 3 छोटी इलायची और करीबन 1 से 2 ग्राम सिनेमन स्टिक्स। मुझे इसे अच्छे से भूनना है ताकि अच्छे से फ्लेवर और अरोमा बाहर आ जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे ड्राई स्पाइसेस अच्छे से घुल गए हैं। इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करने वाला हमारे ग्राइंड किए हुए मसाले। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छे से भून रहे हैं, मैं इसे करीबन 7 से 8 मिनट अच्छे से भूनने वाला हूँ और इसमें मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, हमारे मसाला अच्छे से भून चुका है, अब इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ करीबन 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। इसे मुझे अच्छे से मिक्स करना है, करीबन 7 से 8 मिनट के लिए मुझे इसे अच्छे से पकाना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें हमारे चॉप किए हुए टमाटो ऐड करने वाला हूँ और इसे मैं करीबन और 8 से 10 मिनट अच्छे से कुक करूँगा, तब तक कि टमाटो सॉफ्ट ना हो जाए।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ हमारा सॉल्ट। फ्रेंड्स सॉल्ट मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ, आप स्वाद अनुसार अपने नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें करीबन 1 टीस्पून एंड हाफ टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। फ्रेंड्स इसमें मैं 1 टीस्पून शुगर भी ऐड करने वाला हूँ। शुगर ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, अगर आपको नहीं डालना है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। शुगर ऐड करने का मेन रीजन ये है कि इससे इसके अंदर जो स्टार्च होते हैं वो खुल जाते हैं और उसको अच्छी सी रिचनेस और हल्की सी स्वीटनेस मिलती है, जो बेसिकली मुगलाई में हमारी चिकन कोरमा को चाहिए होती है। बट आप अगर चाहे तो उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। इस स्टेज पे मैं इसमें दही ऐड करने वाला हूँ, जो हमने हंग करके रखी थी करीबन 1/2 कप। अब हमें इसे अच्छे चलाते रहना है ताकि दही फटे नहीं, और इसे करीबन और 8 से 10 मिनट के हम कुक करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें हमारी चिकन को ऐड करने वाले हैं। हमने चिकन को ऑलरेडी पहले ही सीर कर लिया था, इसलिए हम इसे और 15 से 20 मिनट्स ही पकाएंगे, जब तक कि चिकन अच्छे से टेंडर ना हो जाए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जिस चिकन को मैंने सीर किया था उसमें थोड़ा अच्छा सा जूस निकला था, वो भी मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ चिकन डालने के बाद। तो आप इसमें ये इसे पानी के तौर पे इसे ऐड कर सकते, अच्छा फ्लेवर आएगा इसे। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मैंने चिकन को अच्छे से मसाले में कोट कर लिया है। अब इसे मैं ढककर 15 मिनट और कुक करूंगा, तभी चिकन टेंडर हो जाए और हम उसमें बाकी का आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारी चिकन अच्छे से कुक हो गई और क्या कलर आया है इसे। जैसे आप जानते हैं चिकन कोरमा है, हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया था। हमने जो थोड़ा सा जूस ऐड किया था वो बेसिकली चिकन का था, तो उसमें इसने अपने ही जूस में चिकन कुक हुई है और आपको इसी तरह से इसे सर्व करना है। तो हम देखते हैं कि हमें इस किस तरह से इसे सर्व करना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा चिकन कोरमा हमने सर्व कर दिया है, बस इसे हमें गार्निश करना है कोरिएंडर के साथ और थोड़े से फ्राइड कैश्यू नट के साथ, और मैं इसे सर्व कर रहा हूँ साथ में कोरिएंडर राइस और बटर नान के साथ। आप इसे सादी रोटी से भी खा सकते हैं, बट बटर नान के साथ चिकन कोरमा का कॉम्बिनेशन बहुत अलग ही है, तो उसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। और हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी रेसिपी हमेशा आपको अप टू डेट रहती है और आपको हमेशा उसके नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और उसे शेयर भी कीजिए। फ्रेंड्स होप करता हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू।